नागौर में आरटीओ सब इंस्पेक्टर की रिश्वत लेने के खेल का ट्रक चालक ने वीडियो किया वायरल। ट्रक ड्राइवर द्वारा वीडियो बनाने का पता चला तो सब इंस्पेक्टर दूर तक भागा ड्राइवर के पीछे। नागौर परिवहन विभाग में रिश्वत के खेल का एक ट्रक चालक ने मोबाइल से वीडियो बनाकर पर्दाफाश कर दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रिश्वत के पैसे लेने और उसका वीडियो बनने के बाद आरटीओ सब इंस्पेक्टर खुद ट्रक चालक के पीछे दूर तक दौड़ लगा रहे हैं। आरटीओ सब इंस्पेक्टर रामनारायण भादू ने सुजानगढ़ से नागौर जाते समय नागौर शहर से 20 किलोमीटर पहले रोड पर बाड़मेर निवासी पीड़ित ट्रक ड्राइवर देवेंद्र से सब कागजात कंप्लीट होने और ट्रक में वजन भी निर्धारित होने का हवाला दिया, लेकिन आरटीओ कर्मचारियों ने एक ना सुनी। ट्रक चालक देवेंद्र ने इस ज्यादती का मोबाइल में वीडियो बना लिया और लाइव करने लगा। आरटीओ कर्मचारियों और सब इंस्पेक्टर को जब पता लगा कि ड्राइवर हमारा वीडियो बना चुका है और रिश्वत लेते हुए, तो उन्होंने आगे आकर गाड़ी उसके ट्रक के आगे लगा दी और फिर दोबारा कागजात मांगे। जब ड्राइवर ने कागज़ दे दिए तो आरटीओ खुद गाड़ी से नीचे उतरकर चालक का मोबाइल छीनने के लिए पीछे भागने लगे, लेकिन ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए अपना ट्रक छोड़ दिया और खेत में भाग गया। लेकिन 8-10 कर्मचारियों ने ट्रक ड्राइवर का पीछा किया और आखिर में उसे पकड़ कर मारा पीटा, बंधक बनाकर उसका मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन युवक फेसबुक पर भी लाइव था, लिहाजा फेसबुक की रिसाइकल बिन से चालक ने उस वीडियो को एक्सपर्ट से वापस डाउनलोड करा लिया, जिससे आरटीओ सब इंस्पेक्टर की रिश्वत लेते हुए काली करतूत सबके सामने आ गई। यह वीडियो नागौर रोड पर आज ही का मामला है। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। अभी जैसे ही ये आरटीओ साहब है, हाँ जी, हाँ 50 बता और क्या, ठीक है, ये देखो कांटा पर्ची है, मिलती है मान्यवर जी, कांटा पर्ची है, मिलती है कांटा पर्ची और मिलती है। और ये प्रताप सिंह खासरिया जी और हरीश चौधरी के पास भेजूंगा 94141 और 0999 के ऊपर अभी तुरंत ही। मैं आपके नजदीक नहीं आऊंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरे पहले भी प्रयास किया था फोन को। ये अभी सवाल करेंगे, माल 21 टन है, बिल्कुल ये बिल्टी दिखाएंगे। हाँ आपसे बिल्टी मांग रहे, बिल्टी फोन क्यों खो रहे, फोन क्यों खो रहे, देखो अभी अधिकारी साहब के पीछे भाग रहे हैं, देखो अधिकारी साहब पीछे भाग रहे हैं, ये देखो ये पीछे भाग रहे हैं, पकड़ने की कोशिश में, देखो ये नागौर का। फिर इस मामले को रफा दफा करने के लिए आरटीओ सब इंस्पेक्टर रामनारायण भादू ने चालक देवेंद्र के रिश्तेदार से मोबाइल पर बात कर मामले को रफा दफा करने और भविष्य में कभी भी ट्रक चालक देवेंद्र को परेशान नहीं करने की कसमें भी खाई। ऑडियो में भी सब इंस्पेक्टर भादू ट्रक चालक से मोबाइल लेकर वीडियो डिलीट करना स्वीकार कर रहा है और पैसा लेना भी स्वीकार कर रहा है। हाँ साहब, हाँ बताओ, निवेदन करो थानबीन टाइम, आपने पूरी बात हुई की साहब अभी ऐसी जाकर आपा कोई घर का अलग आदमी तो हाँ को नहीं, और हटेगा मैं नागौर का, मैं यहाँ सही हटेगा साहब, अब थाके लारे में बेटा, अब थाना बाद में नौकरी थोड़ी रही। नहीं नहीं, मन तो वो बार भेजियो कि कोई मैसेज है, देखो मोबाइल में मुखाई है,
तो फिर भेजो तो देखो मैं को तू अटे रोक दे मन भेज दी अब थाके ऊपर ये सांप देखो मैं तो थाने जानू थाके लारे भी टाइम भी हाथो जोड़ी कर ली थे को चाहे बट बंजारा ही डाणिया ही पे बंजारा अगला फूल बिंग पक पकड़िया आधी करी और मैं पक पकड़िया भाई हुई की भूल चूक अब देखो थाके ऊपर ये आग लेने हूं मेरे मां बाप सब किसको खाई को। सुनो राम नारायण जी, देखो मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं था, मैंने तो यही कहा था भाई तू चुपचाप तेरा काम कर, तू तेरा काम कर, ये अपना काम कर। लेकिन उसने बाद में मेरे को भाई साहब पीटा भी मेरे को, मेरे से उन्होंने पहले पैसे ले लिए। मैं मेरे बाप की सौगंध खा रहा हूँ, मैंने अगर पीटा है ना तो रात रात मर जाएगा। और बोलो इससे बड़ी बात क्या बोलूं, आप उसको फोन करो कि तू आगे कहीं मत भेज और इनको डिलीट कर साहब, आपसे ये विनती है, आपके पीछे टिका हुआ हूँ, अब देख लो नौकरी आपके पीछे है मेरी। आप नागौर में पोस्ट किस पोस्ट पर हो आप नागौर में? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, सब इंस्पेक्टर हो क्या आप? हाँ तभी तो कह रहा हूँ, आपको पता है नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, इसको दो मिनट लगेंगे, ये तो अपलोड कर देगा कहीं पे भेज देगा तो नुकसान मेरे हो जाएगा साहब, बीवी बच्चे सब उड़ जाएंगे। आप भी क्यों करते हो यार, वो बहुत परेशान था मेरे को 10 दिन से कह रहा था। अरे परेशान था तो उसको कहता ना, ये वो इतना कहते थे ना कि मैं परेशान हूँ तो ही हम छोड़ देते यार, वो तो फिर वही बात है, अब चाहे कुछ भी हो। उसमें वो कह रहा था कि मैं सुनो मेरी बात, वो वहाँ से निकला ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक वो कह रहा था भाई साहब मैंने खाना नहीं खाया कहीं रास्ते के अंदर, ये लोग पैसे ही लेते हैं, लट मारते हैं हमारे, ठोकते हैं, लट लेके खड़े रहते हैं। यार नागौर का ओड़बा कभी नहीं आया, ये पहली बार इसने दिया तो मैंने विनती कर ली उसको, मैं बोला तू आज के बाद कभी आए उसे पूछना लास्ट टाइम है, तू रामा शमा करना और चले जाना बस, इससे बड़ी बात कुछ नहीं बोली। और अब यानी आप उसको विनती करके बात बताओ, आगे नहीं भेजते कहीं गलती से भी साहब, आपके ऊपर टिका हुआ है सब मामला, अब आप हो, आपके पीछे नौकरी है मेरी, बस मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इससे बड़ी बात क्या बोलूं। अरे यार मैं तो क्या, मेरे को तो पता नहीं था, मैंने तो कहा डिलीट, आपने कहा मैंने डिलीट तो कर दी, आपने डिलीट कर दी थी ना उसके मोबाइल में, अब वो फेसबुक पे जाके उसने रिकवर, आप कह रहे हो जहाँ से उसने रिकवर कर ली होगी। हाँ। अब उसको बोल कि कहीं भी मत भेज और इसको डिलीट कर दे भाई, अगले की नौकरी अपने हाथों से। इसने पहले मेरे को फोन किया था कि कलवानिया जी मैं आज नागौर में हूँ और आपके ऐसे ऐसे मामले क्षेत्र में हूँ, मुझे यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मेरी तो कहीं जान पहचान नहीं है नागौर आरटीओ वार्टीओ में कहीं पर भी, तो बोला मैं वीडियो बना रहा हूँ मदद करना आपको। सुनो फिर आज के बाद में नागौर कहीं ओड़बा है ना तो मैं बैठा हूँ आधी रात को हाजिर हूँ उस भाई के लिए, अब उसके पीछे सब कुछ टिकी हुई है जिंदगी मेरी, अब आप कैसे भी करके ये मामला शांत कराओ और उसे डिलीट कराओ कैसे भी करके। गाँव कौन सा है नागौर में? मेरा जाहिल है प्रॉपर है। अच्छा प्रॉपर विष्णु हो क्या? हाँ विष्णु हूँ, भादू हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आपके ऊपर टिकी हुई बात पूरी जिंदगी, अब आप कैसे ही करो आप प्लीज, आपसे विनती है पैर पकड़ो यार। उसने ये वो थोड़ा सा सनकी तो देखा ही, आपने उसका व्यवहार देखा ना, आपने कैसा व्यवहार है उस लड़के का, किसी भी है पर आपके कहने से आपके ऊपर नहीं जाएगा, उसने ये बात बोली है कि आपके ऊपर नहीं जाऊंगा, तो उसको ये कह देना भाई तेरे नागौर में कभी दिक्कत है आधी रात को मैं हाजिर हूँ। चलो मैं बात ठीक है, मैं तो बात कैसे भी करके उसको मनाओ, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कैसे भी करके मनाओ उसको प्लीज। करता हूँ मैं बात उससे, वापस करता हूँ, लेकिन यार आपको मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, उसको ठोका भी है यार ऐसे। मैं मेरी माँ की सौगंध खा रहा हूँ, बाप की सौगंध खा रहा हूँ, अगर उसको हाथ भी उठाया तो। सुनो मेरी बात, वो कह रहा, अरे सुनो तो सही, सुनो वो कह रहा है यार 50-50 रुपए के लिए ले लेते, 50 रुपए क्या चीज होती है यार, आप क्या बात कर रहे हैं? कोई चीज नहीं होती मायने, वो तो रोड पे चलती है, तो गाड़ी वाले देखो हकीकत आपको पता है देते हैं और जाते हैं। अब इस भाई के कोई पहले की कोई, मैं तो नया नया अभी पोस्टिंग हुई है मेरी करौली से, अभी आया हूँ मैं 1 महीने पहले ही। अच्छा मेरे को तो कह रहा था कलवानी जी सारे पैसे ये 50 रुपए ले लेते हैं, कहीं 100 रुपए ले लेते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं चंडीगढ़ से निकलने के बाद। तो तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ उसको अभी समझाओ प्लीज, और उसको बोलो कि आगे मत भेज, आगे से जिंदगी में कभी ओड़ बन जाएगा, नागौर में आधी रात हूँ उसके लिए हाजिर हूँ, कोई कभी काम हुए तो। अब आप कैसे भी करके उसको मनाओ, अब आपके पीछे जो भी है साहब। चलो ठीक है मैं करता हूँ बात, लेकिन करो साहब ऐसे होता नहीं है, कुछ ही करो। सुनो मेरी बात, पैर पकड़ने की बात नहीं, आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो यार, ऐसे क्या करते हो बिल्कुल ही, आप 150 रुपए के लिए यार रोड पे आ जाते हो आप बिल्कुल यार। अरे तो पब्लिक बहुत परेशान है बादू जी, सुनो मेरी बात, पब्लिक है ना बहुत परेशान है इस मामले के अंदर, कई ट्रक ड्राइवर मामले में, इस मामले में तो बहुत परेशान है, ये सुसाइड कर लेता छोरा, सुनो मेरी बात, ये छोरा सुसाइड कर लेता तो कितनी बड़ी बात हो जाती। मेरे को टेलीफोन, मैंने इसको मोटिवेट किया, कह रहा था कि मैं कुएं में कूद जाऊं भाई साहब, आसपास मेरे कुआ होता ना मैं कुएं में कूद जाता, मेरे पीछे 8-10 लोग ऐसे कूद रहे थे, पीछे दौड़ रहे थे मेरे खेतों के अंदर, सोच नहीं सकते कलवानिया जी, ये बोला मेरे को। अरे कोई नहीं, भाग रहा था, वीडियो देखे ना, वीडियो देखो आप, वीडियो में भाग भी रहे ना, आप भाग तो रहे हो, सच बोलो आप, सुनो बाबू जी आप है ना, सुनो सच बोलोगे तो सच बात करो ना, तो बात करें, आप कह रहे हो मैं भागे नहीं, वीडियो में भाग रहे हो ना यार आप। कैसे नहीं भागा मैं उसके पीछे भागा, अरे मैंने ये कब बोला, मैंने उसको मारा नहीं है, आप मारने का कह रहे हो आप, मैंने उसको मारा नहीं, उसको समझाने के लिए उसके पीछे भागा हूँ, अब मरता क्या नहीं करता, अब वो वीडियो का अपलोड, उसको समझा रहा हूँ भाई तू रुक जा,
रुक जाओ, उससे यही बोल रहा हूँ। हर बार आप वीडियो में देखो कहीं आता पाई कहीं गाली गलौज हुई है तो बोला कि मोबाइल के मेरा मोबाइल लेने के बाद लाइव डिलीट करने के बाद मेरे को ठोका के बजा तेरी जो वो कर लेना। तो सुनो तो श्री, अब देखो ऐसे है कि आपको ऐसा लगता है तो भी मैं पैर पकड़ता हूँ, अब इस बात को यहीं दबाओ। आपके पीछे जो भी कल्याणी जी, अब देख लो आपके पीछे हूँ मैं, जो भी हूँ अब मैं तो आपको जानता हूँ। उसके तो मैंने नंबर नहीं लिया, आपके नंबर लिया। मैं बोला कभी आधी रात को मेरा कोई काम हो तो आप निकालो, आपका मैं निकालने नागौर में तैयार बैठा हूँ। पर ये काम आप करो। सुनो विष्णोई जी, मेरे तो कोई काम ही नहीं पड़ता, ना मैं ऐसे बात करता बिना मतलब की। मेरे तो इतनी सी थी कि वो मेरा परिचित, इसलिए मैंने कहा, मेरे को पता थोड़ी था कि आपने मारपीट की इतनी बड़ी मामला। मैंने तो कहा मतलब नहीं करी मैं यार। सुनो उससे बात कर लो कि तेरे साहब ने थप्पड़ भी ठोका है ना, तो मैं मेरे बाप की नहीं और आपके जैसे जैसे कर दो कोई, बस उसके पीछे भागा हूँ मैं। और वो किस लिए भाई? मोबाइल के लिए बस। नहीं मोबाइल से आप डिलीट करने के लिए भागे? यार मजे ले रहे हो आप, ऐसे थोड़ी करते कोई। तो प्यार से लेते यार, मोबाइल भी लेते तो इसको बैठ दे। तो प्यार से उसको मैंने बोला था मोबाइल दे दे भाई, तो उसको कहाँ दिया वो यार? वो तो आपके सामने देखो ना, पूरा वीडियो बना लिया यार, पूरा डिलीट कर दिया उससे आपने। ठीक है चलो करता हूँ बात। अब सुनो श्री, अब आप कैसे भी इस बात को प्रोटो साहब, आपसे आगे कहीं नहीं जाना चाहिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इससे बड़ी बात क्या बोलूं? मेरे को पैर पकड़ने की, मैं काहे को पैर पकड़ूं? मेरा तो आपने कुछ बोला नहीं। मैं पकड़ रहा हूँ ना आपके, आपको किस लिए पकड़ना है? मैं पकड़ रहा हूँ आपके, और इस बात को यही दबाओ साहब। और आधी रात को मैं उस बंदे के लिए तैयार हूँ, उसको कह देना कभी भी नागौर। और आपके कहने के बाद में ना तो मैंने उसको कुछ करा, और वहां से मैं चुपचाप मेरे रवाना हो गया। ठीक है विष्णु जी, मैं बात करता हूँ।